मुझे लगता है मेरे सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया, मोस्ट वायलेंट जो मुझे नहीं लगा, स्टोन पेल्टिंग से, बेरोजगारी से। तो यही वजह है मैं यहाँ आज आई हूँ, ताकि मेरे बच्चे, जम्मू कश्मीर के बच्चे, इनको फ़ायदा मिले, खासकर शहरी खास के बच्चे जो हमेशा महरूम रहे हैं इन स्कीम से। और बहुत मुबारक की बात है कि पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार ऑनरेबल एलजी की तरफ से जो हमें हिदायत है कि डाउनटाउन एरिया में जाके हम काम करें, डाउनटाउन एरिया के बच्चों को हम फ़ायदा दे पाएँ। अभी तक जितनी स्कीम्स थी वो रूरल एरियाज़ की थी, इस बार पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें अर्बन एरियाज़ के लिए 1300 करोड़ रुपये दिया है। और मैं ये चाहती हूँ ये सही बेनिफिशरी को सही तरीके से, बिना नेपोटिज़म, बिना कोई पोलिटिकल राइवलरी, बिना कोई ज़ात पात देखे, इन सब तक ही पहुंचे। आपको लगता है कि एनसीक्यू मुझे आज तक शहर खास को नजरअंदाज रखा? देखिए बिल्कुल, जब स्कीम थी ही नहीं तो क्या फ़ायदा उठाते। पहली बार स्कीम आई है और अभी तक हमने 3 महीने से जो कोशिश की है, लगभग नवहट्टा में ऑलरेडी हम 13 करोड़ दे चुके हैं, मायसुमा में 5 करोड़ दे चुके हैं, हबाकदुल में 5 करोड़ दे चुके हैं। तो ये नंबर और जानकारी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या दे रही है और हमको किस लिए रखा है सरकार में। यही काम है कि हम इन स्कीम्स को लोगों तक, नौजवानों तक, बच्चियों तक पहुंचा पाएं, ताकि वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।